हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है आबिद एके एंड वेलकम टू टेक्सोर। ओके, तो अगर आपके व्हाट्सएप में आपको नोटिफिकेशन शो नहीं हो रहे हैं, आपको नोटिफिकेशन आ तो रहे हैं लेकिन यहाँ पर सिर्फ लिखकर आ रहा है न्यू मैसेजेस एंटर टू व्यू मैसेज कंटेंट, इस तरीके से लिखकर आ रहा है, आपके मैसेज आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो आप क्या करें कि आपके मैसेज आपको सामने ही आते साथ ही नोटिफिकेशन बार में दिखाई दे जाएं। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ 2 से 3 स्टेप बताऊंगा। वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए, आपकी प्रॉब्लम डेफिनेटली यहाँ पर सॉल्व हो जाएगी। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ। आपको इसके लिए सबसे पहले अपने व्हाट्सएप में आ जाना है। तो यहाँ पर मैं व्हाट्सएप को ओपन कर लेता हूँ। अभी आपको और उसके बाद यहां पर आप 3 डॉट देख पाएंगे, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। यहां पर आप सेटिंग्स में आ जाइए और उसके बाद यहां पर आप देख पाएंगे अकाउंट्स, इस पर आ जाइए। प्राइवेसी में आपको आ जाना है और यहां पर आप एंड में देख पाएंगे फिंगरप्रिंट लॉक, तो यहां पर इस पर क्लिक कर देना है और यहां से इसको इनेबल कर देना है। अगर आपका फिंगरप्रिंट नहीं है तो आप देखते रहिए, आपका दूसरा सोल्यूशन भी बता दूंगा मैं, ये फिंगरप्रिंट वालों के लिए है। तो फिंगरप्रिंट आप पीछे टच कीजिए अपने फोन में और इसको ऑन करके, यहाँ पर मैं नहीं कर रहा हूँ अभी, थोड़ा मेरे हाथ में उंगली में प्रॉब्लम है, फिंगरप्रिंट ऑन नहीं हो रहा है, तो इसे ऑन करके वहाँ पर शो नोटिफिकेशन आप कर दीजिएगा तो आपकी नोटिफिकेशन शो हो जाएगी। इसके बाद अगर अभी आपका सॉल्व नहीं हुआ है तो अब आप इस मेथड को ट्राई कीजिए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड होने वाला है, इससे बहुत से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आपको सिंपली यहाँ से बैक आना है। अब आपको अपने फोन की सेटिंग्स को ढूंढ लेना है, तो ये सेटिंग्स है, इस पे मैं चले जाता हूँ। अब ध्यान से देखिए, आपको यहाँ पर आना है, फिंगरप्रिंट फेस एंड पासवर्ड पे क्लिक करके यहाँ पर आ जाना है। सिंपली आपको यहाँ पर प्राइवेसी पासवर्ड पर क्लिक कर लेना है, इस पर ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप अपना पासवर्ड डाल दीजिए, आपका जो भी पासवर्ड है। आफ्टर दैट यहाँ पर आप देख पाएंगे ऐप लॉक, ये हो गया ऐप लॉक, इसको ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो रहा है, जल्दी से आप पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। ये आप यहाँ पर आ जाइए और उसके बाद व्हाट्सएप आप देख पाएंगे, तो देखिए यहाँ पर ये लॉक लगाया हुआ है, मैंने लगाया हुआ है तो शायद आपने भी लगाया हुआ होगा, तो इस पे इसको ओपन करना है और इसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आ रही है, तो इसे मैं डिसेबल कर देता हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेरे ये सब चालू हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ से आपको आ जाना है बैक और अभी भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है तो यहाँ पर और भी मेथड है, आप डरिए मत, मैं आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। तो अभी आपको सेटिंग्स में आना है और उसके बाद यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार आप देख पाएंगे, इसको यहाँ से आपको कर लेना है ओपन। अब आपको मेक श्योर कर लेना है, आपको यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको ऑन होना चाहिए, ये सब स्वाइप डाउन, लॉक स्क्रीन, नोटिफिकेशन ड्रॉ, डिस्प्ले डेटा यूजेज नोटिफिकेशन, सब ऑन होना चाहिए। उसके बाद मैनेज नोटिफिकेशन में जाकर आपको यहाँ पर आपके व्हाट्सएप की नोटिफिकेशन को देख लेना है, ऑफ तो नहीं है। तो ये नोटिफिकेशन ऑफ नहीं होनी चाहिए, ऑन होनी चाहिए। अब आपने ये सब कर लिया है और अभी भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है तो यहाँ पर सबसे बड़ा रीज़न लास्ट में एक और होता है, ये देख लीजिए। सेटिंग्स में आइए, आपको यहाँ पर अपने बैटरी का जो ये ऑप्शन होता है यहाँ पर आप आ जाइए। इसके बाद अब आपको बता दूँ, अगर आपने अपने फ़ोन में पावर सेविंग मोड लगाया हुआ है
तो इसकी वजह से बैकग्राउंड में रन होने वाली एप्लीकेशन सब बंद हो जाती है, जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन नहीं आता है या फिर शो नहीं होता है। तो आप मेक श्योर कर लीजिए आपका नोटिफिकेशन ऑफ तो नहीं है, यानी कि आपका जो पावर सेविंग मोड है ऑन तो नहीं है, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है। तो अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सॉल्व हुई है तो आप कमेंट में बताइए, मैं आपको सलूशन बताऊंगा। वीडियो पसंद आई हो तो टेक्सूर को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।